मैंने खरीदा है ये पूरा आइलैंड। मेरे पास है 10 चैलेंजेस और 10 लोग, और जो भी सबसे आखिर में यहाँ से निकलेगा ये आइलैंड उसका। तो चलो सीधा शुरुआत करते हैं पहले चैलेंज से। क्या क्या जो सबसे आखिर में होल में कोकोनट डालेगा वो बाहर होगा। बाय, जाओ। ठीक है, तुम ठीक हो? देखो मैं होल से दूर हूँ। नहीं दोस्त, अरे नहीं दोस्त, नहीं। ओ, तुम तो पसीना पसीना हो। मेरा पूरा परिवार अभी मुझे बुरी तरह कोस रहा होगा। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कुछ भी सोचने के लिए। मैं सच में बहुत लकी हूँ, वहाँ पर एक कोकोनट था, उसके पीछे एक और कोकोनट था, वो मुझे नहीं मिलता तो मैं बाहर था। जेड, आई एम सॉरी, लेकिन तुम पहला चैलेंज हार गए हो, तुम्हें जाना होगा। हाँ यार, कोई भी हो सकता है। सॉरी ब्रो, एक फ्लिप करो। और वो गया हमारा पहला कंटेस्टेंट। इस वीडियो के आखिर में सिर्फ एक बंदा बचेगा। जी हाँ, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। मुझे आइलैंड जो देना है। दूसरे चैलेंज के लिए तुम लोगों को वोटिंग करनी होगी। हर कोई इस क्लिप बोर्ड पर एक नाम लिखेगा, जिसको भी सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो बाहर होगा। ये होने वाला है बहुत ही इंटेंस। तो हर कोई लिख रहा है ना? सब लोग अपने पेन लौटाओ। सबने दे दिए? अब कोई भी चेंज नहीं कर सकेगा, सबके वोट्स आ चुके हैं और हमारे पास है एक लूजर। आइए मिलते हैं। टायलर, तुम सेफ हो। और तुम दोनों में से मुझसे नहीं होगा, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। डेरन, तुम हार गए हो। टायलर, क्या? नो टायलर, तुम बच गए। अरे यार, पागलपन है। मुझे पता नहीं डेरन को कैसा फील हो रहा होगा, वो वहाँ खड़ा है, पता नहीं क्या करना है। पेनफुल है। तुम्हें बता दूं कि जो यहाँ से जाने वाला है, जिसे नहीं मिलने वाला है ये आइलैंड, उसके जिम्मेदार तुम हो। ओके, तुम्हीं ने वोट किया था। ये सब काल की गलती है, सब काल की गलती है। ऑलराइट डेरन, सबको अलविदा कह दो, जाओ। बाय ब्रो, बाय। सॉरी यार, मुझे माफ करना दोस्त। ओह माय गॉश, भाई देखा मैंने। आई लव यू, आने के लिए थैंक यू। मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। इससे पहले कि हम करें अगला चैलेंज, मैं जानना चाहता हूँ तुम लोगों को कैसा लग रहा है। मैं मरने वाला हूँ। मुझे तो धोखा दिया गया, बहुत डरा हुआ। अगर मैं जीता तो मैं आइलैंड को ही बेच दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। कॉल येलो कैमरा। टायलर, येलो कैमरा। हाँ? अब सबके पास है कैमरा। अगले चैलेंज के लिए हम खेलने वाले हैं लुका छिपी। अरे नहीं, प्लीज नहीं। जाओ जल्दी से, छुप जाओ। भागो, 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 चलो छुपते। मुझे छुपने के लिए अच्छी जगह ढूंढनी होगी। और अब बचे हुए 8 छिप रहे हैं। 1, 2, 3। मैं किसी झाड़ पर जाकर बैठता हूँ। कसम से ऐसा लग रहा है जैसे हर आवाज मुझे पकड़वा देगी। मुझे यहाँ एकदम शांत रहना पड़ेगा। मैंने लुका छिपी में बहुत पैसे गवाए हैं, शायद मुझे उस झाड़ पर छिपना चाहिए। 89, 90, 91, 92। मेरा पाद निकलने वाला है। लुका छुपी, लुका छुपी, लुका छुपी, लुका छुपी। सोचकर देखो, आप एक पूरा आइलैंड हार जाओ सिर्फ आपके पाद की वजह से। 296, 297, 298, 299, 300। मैं आ रहा हूँ, कोई छुपा हुआ हो या ना हो, जिसे मैं ढूंढूंगा उसे नहीं मिलेगा ये प्राइवेट आइलैंड। इस खेल की खास बात ये है कि मुझे सबको नहीं, सिर्फ एक को ही ढूंढना है। शर्त लगा लो, बहुत से इन झाड़ियों में ही छुपे हैं। पकड़ लिया। मजाक कर रहा था, लेकिन अगर कोई वहां हुआ तो उसकी पैंट पीली हो गई होगी। वो मेरे करीब से गुजरा। यहाँ पर कोई नहीं है। चल ला, मेरे पास खाना है। लगता है कोई नहीं मिलने वाला। अक्सर पक्षी लोगों को देखकर आवाज करते हैं, और वहां आवाज कर रहे हैं, मुझे कोई मिलने वाला है। ओ, टायलर! नहीं! ओ माय गॉश! तो तुम मुझे आते हुए देख रहे थे? हाँ। मुझे मिल गया। मैं एक आइलैंड हार गया क्योंकि मैं यहाँ लेटा था। तो टायलर, तुमने खोए $50,000 हाइड एंड सीक में, 60,000, 70,000 और अब $7,00,000। तुमने मिलियन डॉलर सिर्फ लुका छिपी में ही गवा दिए हैं टायलर। कंग्रेचुलेशंस, तुम लोग छिपे रहे और जो मुझे मिला है वो है टायलर। ये सारे लोग अब कम्पीट करेंगे इस आइलैंड के लिए। मैं चाहता हूँ तुम इनके बीच से गुजरो बोट की तरफ। खेल कर अच्छा लगा दोस्त। सैल्यूट मिलेगा टायलर? सैल्यूट मिलेगा? बाय टायलर, खुशी हुई तुम मिले, मैं नहीं। टायलर, तुमने मिस की बोट, वो वहाँ है। अगले चैलेंज में तुम्हें तैरना है। मैं चाहता हूँ कि बीच की तरफ घूम कर खड़े हो जाओ और मेरे सिग्नल पर घूम के बोट की तरफ तैरो। आखिर में छूने वाला आउट होगा। मैं थोड़ा और दूर जा रहा हूँ। ये अगला चैलेंज बहुत ही फिजिकल होने वाला था। अब तक की हुई ये सबसे हार्ड चीज है और उनमें से कोई एक खोने वाला है ये पूरा आइलैंड। 3, 2, 1, जाओ। ठीक है, टायलर पहला है, इथन दूसरा है, जेस तो पीछे छूट गई। चलो चलो। ठीक है, टायलर पहला है, इथन दूसरा है, कार्ल तीसरा, क्रिस चौथा। चैनलर की इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, पर वो पांचवा आया और जेस आई है सबसे लास्ट में। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हारा नहीं, मुझे लगा मैं हारने वाला हूँ। मेरी हालत खराब हो गई है। मुझे पता था मैं हारने वाली थी क्योंकि मैं तैरने में अच्छी नहीं हूँ। आई एम सो सॉरी जेसी, वी लव यू।
लव यू। तो मैं इसे बोट से नीचे उतारूं और फिर से ऊपर लूं, या मैं इसे यहीं से रवाना कर दूं, मैं क्या करूं? मेरे लिए नया है, यू नो आइलैंड गेम्स टाइप। ये बहुत ही तगड़ी रेस थी, लेकिन जेस सबसे आखिर में आई और हमें उसे भेजना होगा, और मुझे बुरा लग रहा कि मैंने तुम्हें पहले उतारा बस वापस चढ़ाने के लिए। सल्यूट, बाय। अब चलो देते हैं आइलैंड। क्रिस ये पकड़ो, इथन कार्ल तुम लोगों को लाइन के पीछे खड़ा रहना है और स्कोर करने के लिए सर्कल में डालना होगा, ठीक है? गिरे या नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको एक साथ फेंकना है। ओ, क्या? ओके, 3, 2, 1 फेंको। ओ या, मेरा गया, मेरा गया, या। मेरा तो होल के ऊपर से खिसक गया था, बहुत करीब था, शायद चला जाता अगर सीधा होता। जैसे ही मैं इस आइलैंड को जीतूंगा, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा इसे बेचने से। कंग्रेचुलेशंस जीतने के लिए लड़कों, मुझे गर्व है तुम पर। तो उनमें से एक जाएगा। Oh my God. जिसे तुम लोग चुनोगे। क्रिस, आराम से। तुम लोग क्रिस को निकाल रहे हो? बिल्कुल। क्रिस हमारे लिए खतरा है, वो हमेशा जीतता ही है। हमेशा, ठीक है नोलन, मुझे माफ करना। क्रिस, तुम बाहर हो, आई एम सॉरी। सच कहूं तो मुझे लगा था कि तुम आइलैंड जीतोगे। मैंने कोशिश की, अपनी जान लगा दी, लेकिन क्या कर सकते हैं। तुम्हें अब जाना होगा बोट पर। नोलन, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। नोलन, नोलन को छोड़कर मैं सबको मिस करूंगा। वो आदमी कौन था? कौन था वो? वो कंटेस्टेंट था क्या? अगले चैलेंज के लिए तुम लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधोगे। चलो पट्टी बांधो। इसे पहनते कैसे? आंखें खोल लो, इस ट्रेजर चेस्ट को देखो। ठीक है, अपनी पट्टियां फिर से पहन लो। मैं इसे बीच में छिपाने वाला हूँ, जिसे भी ये मिलेगा वो जीतेगा। Hey, क्या किसी के पास फावड़ा है? एक्चुअली मुझे फावड़े की जरूरत नहीं है, टिमी हमारा टार्जन है, बस इसे ऊपर रख दो। उन्हें ये पता नहीं है, पर जिसे भी ये मिलेगा वो चुनेगा कौन यहाँ से जाएगा। लेकिन आगे ये खेल और इंटेंस होने वाला है। ओह गॉश, मेरी कमर। वो लोग सोचेंगे कि ये जमीन के नीचे है। जिसे भी वो ट्रेजर चेस्ट मिलेगा वो चुनेगा कौन होगा खेल के बाहर। ओ, क्या? हाँ, जाओ ढूंढो ट्रेजर चेस्ट। मेरा सिर घूम रहा है, शांत ही नहीं है। काल, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसी गड्ढा खोद रहे हो? मुझे बस इतना पता है यार कि तुमने इसे किसी निशान के आसपास ही रखा होगा। ओह गॉश। कहाँ पर है भाई? काल को शायद मिल गया। ओह नो, ये पानी में है क्या? आओ। अरे यार, हमें देखते रहना होगा, कहाँ पर है ये? उसे मिल गया। कहाँ पर है यार? यार वो तो ऊपर था। पता नहीं इसे इतना जल्दी कैसे मिल गया, मैं वहाँ बैठ के रे छान रहा था। कॉल, अपना ट्रेजर चेस्ट खोलो। चलो, इसके अंदर है गोल्डन कोकोनट। या! जिस पर भी तुम ये गोल्डन कोकोनट फेंकोगे वो बाहर हो जाएगा। अपना फैसला लो। तुम दोनों में से एक है, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं बस कहूंगा कि आई एम सॉरी। आई लव यू। मुझे अच्छा लगा दोस्त, मैंने गलत बंदा चुन लिया। मैं कितना भी कर लूं ये आसान नहीं होने वाला। टायलर, हाँ यही सच्चाई है। अफसोस, तुम्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। दोबारा मिलते हैं। Hey. कोई बात नहीं। और सच में तुम गुस्सा नहीं हो तुम्हें चुनने के लिए? ये इस लायक नहीं है यार। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सॉरी। तुम बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं। ओ नहीं, ये थोड़ा खत्म हुआ। स्वागत है फाइनल फोर में। या, तो बात ऐसी है, अब तुम चारों को किसी एक बंदे को जो हार चुका है वापस बुलाना है। जैसी, मेरा वोट भी जैसी को तो है। जैसी के लिए दो। हाँ, मैं भी चाहता हूँ जैसी वापस आए। जैसी, मैंने जैसी को चुना क्योंकि वो इकलौती ऐसी बंदी है जो जिसने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो मेरे खिलाफ वोट करेगी। चैंडलर और काल हारेंगे नहीं, मैंने नेथन से बात की, हमें जैसी को लाना ही होगा, नहीं तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो पहले 3 वोट गए थे जैसी को, तो मेरे वोट से फर्क नहीं पड़ता है। तुमने जैसी को वोट किया और अब वो वापस आ रही है। आइलैंड पर तुम्हारा फिर से स्वागत है जैसी। अब यहाँ 5 लोग हैं। चलो बढ़ते हैं अगले चैलेंज पर। ये करने वाले हैं अपने अगले चैलेंज के लिए। हम जाएंगे एक के बाद एक के पास और देखेंगे कि चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुम्हारे, मुझे यकीन है तुमने सब्सक्राइब किया हुआ है। तुम कम्पीट कर रहे हो $7,00,000 के लिए मेरे चैनल पर। तुम तो सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो कॉल, ओह माय गॉड, हम सर्च करेंगे मिस्टर बीस्ट, ये सब्सक्राइबर है, मतलब कि ये बच गया। इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं होगे तो खो सकते हो $1,000,000 का आइलैंड। अब मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ। यस, तुम सब्सक्राइबर हो, तुमने सब्सक्राइब किया। वाह, तुम सब्सक्राइबर हो, तुमने सब्सक्राइब किया हुआ है, तुमने सब्सक्राइब किया हुआ है, तुम आखिरी हो सब्सक्राइब्ड। तुम सबने सब्सक्राइब किया है मेन चैनल, तो लॉजिकली अब देखेंगे कि गेमिंग चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं। नहीं। कॉल ने सब्सक्राइब किया है मिस्टर बीस्ट गेमिंग को। कौन भी दबाया है?
इसे देखो, नोलन सब्सक्राइबर नहीं है मिस्टर बीस्ट गेमिंग का, देखा? लेकिन तुम टेंशन मत लो, हमें तीन और बंदे चेक करने हैं। ठीक है, क्या तुम नोलन को रिडीम करोगे? नहीं, तुम हमारे आइलैंड पर हो, मिस्टर बीस्ट गेमिंग का ये सब्सक्राइबर है। बेल के बजते ही गेम शुरू। ठीक है बॉयज, पे अटेंशन, ये भी सब्सक्राइब्ड है, ये भी सब्सक्राइबर है। जिसने भी एक्चुअली और लॉजिकली सब्सक्राइब किया है इम्पोर्टेंट चैनल को, साइड आ जाओ। खुशी से। और अब होने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइबर टेस्ट, प्यूडीपाई। प्यूडीपाई, क्या तुमने किया सब्सक्राइब? कि सब्सक्राइब किया होगा। किया हुआ सब्सक्राइब? यस। जा रहा। यस। टैग, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ओह माय गॉश। प्यूडीपाई। ओह, ये सब्सक्राइबर नहीं है प्यूडीपाई का। नोलन, तुम आगे बढ़ रहे हो अगले राउंड में, और टैग कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन तुम नहीं। ये तो तुम्हारा चैनल भी नहीं है, बहुत बुरा हुआ। ईथन मेरे दोस्त, कोई बात नहीं यार, तुम्हें पता है मैं कहने वाला हूँ कि बोट वहाँ है। देखो भाई, मेरे भी साथ ऐसा हुआ है, पर सब ठीक हो जाएगा, बस ऐसे ही बार बार हारते रहना। मैं ये जगह तुम्हारे लिए खाली रखूंगा। नोलन, तुम नेक्स्ट हो। गुड बाय। अब सिर्फ तुम चार बचे हो। मैं चाहता हूँ तुम दो दो की टीम में बंट जाओ। चलो तुम लोग डिसाइड करो। मुझे लगता है बहुत से लोगों को लगता है जैसे जीत नहीं पाएगी, पर वो विनर है और हम दोनों साथ जीतेंगे। ये मेरा दोस्त है। और अब बचे हैं चार फिर से। पकड़ो अपना गोल्डन कोकोनट, तुम पकड़ो अपना गोल्डन कोकोनट, अपने पार्टनर की तरफ फेंको। ठीक है। अब एक कदम पीछे हो लो और फिर से फेंको। जिसका भी कोकोनट पहले गिरेगा हार जाएगा। रेडी हो? या। ठीक है, एक कदम पीछे। अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए। चलो अब एक कदम और पीछे। ओ, हम अच्छा कर रहे हैं। मैं रेडी हूँ। चलो बढ़िया। अब हम बहुत दूर खड़े हैं, एक और बार फेंको। लो, ठीक है, रेडी। ओ, ओके। चलो। और ये मिस। पकड़ लिया। ओके। तुमने कर दिखा। ओके। हम कर सकते हैं। आसान था। हम कर सकते हैं। मैं अभी बहुत नर्वस हूँ। मुझे बहुत नर्वस। मुझे बहुत जोर से लग रहा है कि काल से छूट जाएगा। रुको रुको रुको। गिराना मत, गिराना मत। यस, ठीक है। मैं ये लाइन के आगे नहीं आ सकता। मैं हूँ ना। काल, फेंको वो कोकोनट। ये हुई ना बात। नोलन तैयार हो? ओ, उसने फेंक दिया। I'm so sorry. हम बहुत करीब थे। Okay, guys, चुनो एक या दो में से एक नंबर। दो। दो। एक? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे नहीं, रुको। ओ, नहीं, नहीं रुको। अब हम खेलेंगे किस्मत का खेल। मैंने काल और चैंडलर को एक और दो में से एक नंबर चुनने को कहा था। जो भी सही गैस करेगा वो यहाँ रहेगा, और जिसका गैस गलत होगा वो यहाँ से चला जाएगा। नोलन, तुम क्या चुनते हो, एक या दो? मैं चुनता हूँ दो। और तुम क्या चुनोगी? एक। ठीक है। चैंडलर, तुम्हें बताओगे तुमने कौन सा नंबर चुना था? दो। इन्होंने दो चुना था। मुझे फिर से बोट पर जाना होगा। अब तक तो तुम्हें सी सिकनेस हो रहा होगा। मुझे खुशी है कि तुम यही रहोगे। नोलन, तुम वापस जाओ। मैं अभी भी आइलैंड बेच सकता हूँ। I'm so sorry. हाँ जी, इमोशंस रोलर कोस्टर पर बैठा हुआ है, कभी खुशी कभी गम, पर मैं अभी भी यही हूँ। बाय। हो सकता है फिर से मिले। नोलन, कैसे हो भाई? मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन काल है, और अभी हम एक ही टीम में, लेकिन जैसे ही अलग होंगे, जो कि होगा भी, वो प्रॉब्लम बन सकता है। मैं जानवर हूँ। हम ये कर सकते हैं, हम ये जीतेंगे। सेकंड लास्ट चैलेंज है कोकोनट बोलिंग। हमने लगाए हैं बोलिंग पिंस और हमारे पास है कोकोनट्स। ओह, और देखना है ये लोग कितने गिरा सकते हैं। वैसे मैंने मस्त किया ना? पहली बार में हम डिसाइड करेंगे कि किसे मिलेगा $7,00,000 का आइलैंड बोलिंग से। मुझे ये सही लग रहा है। ओके, कॉल, बताओ कौन जाएगा फर्स्ट। नोलन है ना? नोलन, ये रहा तुम्हारा गोल्डन कोकोनट, तुम्हें मिलेगा एक बोल। जो भी सबसे कम पिंस गिराएगा वो हार जाएगा, समझ गए ना? बस थोड़ा बहुत प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर नहीं है। चलो देखते हैं। आइलैंड के लिए बेबी, आइलैंड के लिए। ओह, मैं इससे खुश नहीं हूँ, मैं इससे खुश नहीं हूँ भाई। कुछ स्टूपिड पिंस की वजह से मैं 7,00,000 गवा दूंगा। शायद गवा दिए, अपनी जगह पर बैठ जाओ। जाओ। हाँ, मुझे सिर्फ नोलन से ज्यादा पिंस गिराने हैं। अगर तुमने गिराए 5 पिंस तो तुम गारंटीड फाइनल 2 में पहुंच जाओगे। चैंडलर, चैंडलर। वाओ,
मुझे कोई नहीं हराने वाला है। देखो उधर 10 थे और अब 10 के 10 गिर पड़े हैं। वो है 7 लाख डॉलर। हाँ, इतना लो कॉन्फिडेंस मुझे सुबह से कभी महसूस नहीं हुआ जितना इस चैलेंज के लिए हो रहा है। सिर्फ उसमें से आधे गिराने हैं, पता है ना? मुझे पता है, चोकिंग के लिए मशहूर है। बिल्कुल, तुम्हें वो ड्रामेटिक म्यूजिक सुनाई दे रहा है, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है और तुम हर हफ्ते सर्वाइवर देखते हो। पता है, तो चलो दिखा दो। चलो करते हैं, सपनों को पूरा होते देखना है। नहीं, अगर तुमने इसे मिस किया तो तुम जिंदगी भर इसके बारे में सोचते रहोगे। काल कोशिश करना कि कम से कम एक तो गिर जाए। ओह माय गॉड। ओह काल, काल इसने कर दिया, इसने कर दिया, इसने yes! कर दिखाया। नहीं, नहीं, चार है, चार टाई हो गया। ओह माय गॉश, काल मुझे लगा था तुम हार जाओगे। मैंने बस पिंस को छुआ है। भाई ये तो स्लो मोशन में गया। मुझे नहीं पता, काल बॉल सच में पिंस के सामने रुक गई थी और फिर उसने चार को गिरा दिया। ओह माय गॉड, याद है ना मैंने कहा था कि म्यूजिक इंटेंस हो रहा है। हाँ, अब ये और भी इंटेंस होने वाला। ओह गॉड, नोलन मुझे लगता है बातें बहुत हुई, अब तुम्हें बस कुछ ही पिंस गिरानी है, बस मार दो, जी लो ये लम्हे। मैं लेफ्ट में क्यों फेंकता हूँ, मैंने सारे पिंस मिस किए। कॉल, डेट पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम्हें अब बस एक गिराना है। बूया! ओह माय गॉश! यस! नोलन ये क्या हो गया? तुमने कर दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू कॉल, तुमने कर दिखाया यार, पर तुमने मुझसे अच्छा नहीं किया, पर फिर भी अच्छा किया। नोलन मेरे भाई, आई एम सो सॉरी, मुझे पता है तुम्हें चाहिए थे 7 लाख डॉलर्स। मुझे ऐसे बस बेचना था। हां जानता हूं, मुझे पता है, लेकिन आइलैंड को बेचा नहीं करते। लेकिन मैं इसे नहीं बेचने वाला। बोट बस आने ही वाली है, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा, उसमें सारे लूजर्स भी होंगे। क्यों? अभी पता चल जाएगा। वेलकम बैक एवरीबॉडी। पता नहीं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, पर हे तुम सभी का फिर से स्वागत है। नोलन, नोलन आ जाओ बोट में। नोलन से ना हो पाया। हमारे दो फाइनल कंटेस्टेंट्स हैं, कार्ल और चैंडलर। चलो चले। तुम लोग शायद सोच रहे होगे कि मैंने तुम सभी को वापस क्यों बुला लिया, और आप भी वही सोच रहे होगे। तुम लोग डिसाइड करोगे कौन जीतेगा ये 7 लाख डॉलर्स का आइलैंड, और हम ये इस तरह करेंगे। चैंडलर, मैं तुम्हें पहला मौका दूंगा, तुम्हें एक मिनट मिलता है इन्हें कन्विंस करने के लिए, जो चाहिए वो कहो। दोस्तों अगर ये मैजिक ट्रिक तुम्हें कन्विंस नहीं कर सकती है तो मुझे पता नहीं क्या करेगा। आप देख सकते हैं ये जुड़े हुए हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। पता नहीं है क्या था, ये एक सीरियस वीडियो है कसम से। ठीक है काल, इधर आ जाओ। मैं उससे अच्छी स्पीच नहीं दे सकता। हाँ मुझे नहीं पता कि कोई भी इससे अच्छा कर पाएगा या नहीं। खैर काल, स्टेज तुम्हारा है, ये 8 लोग फैसला करेंगे तुम पैसे वाले बनोगे या। ओ जरा देखो वो पलट गया। अरे वो भी पलट गया। देखो फर्क नहीं पड़ता तुम ऊपर तक कैसे पहुँचे, बस पहुँचे ये काफी है, ठीक है ना? तो मैं बोलने वाला हूँ, हाँ चलो सुनो मेरी बात। हाँ तुम्हें नाचना चाहिए। ओह क्या बात है। ओके ठीक है, बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। तुम लोग चुनोगे कौन हारेगा, हम शुरुआत आखिर से करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नोलन बताओ तुम किसे बाहर निकालोगे? सॉरी काल, ये तुम्हारी वजह से है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, धोखेबाज काल को जाना होगा। मैं और मेरा दोस्त काल एक साथ फाइनल में होते, लेकिन मैं वोट करूंगा चैंडलर को। सच में? वैसे तो मुझे दोनों ही पसंद है, लेकिन मैं जानता हूँ अगर काल नहीं जीता तो वो बहुत दुखी हो जाएगा, वो अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करना चाहता है। मैं चैंडलर को वोट करूंगा। मुझे नहीं लगता कि काल जीतने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसे कम से कम एक वोट तो मिले। मुझे बुरा लग रहा है, सॉरी काल, तुम अभी भी मेरे दोस्त हो। ओके ये आया जज। काल ने अच्छा खेला, पर दूसरी तरफ से देखूं तो मुझे अब कोकोनट पसंद नहीं, और उसका चेहरा कोकोनट जैसा है, तो ये मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है आ जाओ, तुम्हारा है आखिरी वोट। बुरा लगता है क्योंकि कार्ल ने मेरा नाम लिखा था, लग रहा है मुझे उसके लिए सिंपैथी होनी चाहिए, पर उसे कभी सिंपैथी फील नहीं हुई जब उसने मुझे वोट आउट किया। ये पर्सनल नहीं है, आई एम सो सॉरी। ठीक है मैं अभी इन्हें पढ़ूंगा। कार्ल, ओह रुको ये बुरा है। फिर से कार्ल। ओह चैंडलर, ओ तेरी। चैंडलर फिर से टाई हो गया। एंग्जायटी कार्ल, ओह थोड़ी एंग्जायटी। चैंडलर, तीन तीन वोट दोनों को मिले, लगता है अब सिर्फ दो नाम बचे हैं। कॉल, ओह माय गॉश, ये लास्ट है। फिलहाल कॉल के पास हैं 4 वोट्स और चैंडलर के पास हैं 3, और ये फाइनल वोट जाता है चैंडलर को। अरे ये तो टाई हो गया। मुझे तो क्या हुआ, तुम लोगों को तो काल पसंद नहीं था ना, अब कैसे मन बदल गया? काल सबसे आगे था पर ये आखिरी था और इसने सिक्का उछाला। अब क्या करना है?
अब मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। मुझे तो लगा था कि कुछ तो अलग होगा। चलो ऐसा करते हैं कि हम ये सारे वोट्स फिर से इस बॉक्स में डालते हैं, सारे 8 वोट वापस बॉक्स में, और मैं किसी को एक वोट निकालने को कहूंगा। जेड पहले आउट हुआ था तो उसे ज्यादा कुछ करने को मिला नहीं, उसी को बोलते हैं करने। थोड़ा तेज हाथ चलाओ, जल्दी करो। अब यही तय करेगा कि किसको मिलेगा $7,00,000 का ये लैंड। ओ वाह, उसने एक निकाल भी दिया। सर्वाइवर मिस्टर बीस्ट का विनर है चैंडलर। दूसरे नंबर पर आ गए। काल, मुझे लगता है तुम्हें वापस जीतना होगा। अब तक मैंने कई मिलियन डॉलर्स हारे हैं, पर आज मैं $7,00,000 जीता हूँ। चलो अब रोना मत। मुझे लगा मेरा टाइम आ गया। मैं कहता ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, पर $7,00,000 पर तो लोग रिटायर। मुझे छोड़ के सब लोग अंडर रिएक्ट कर रहे हैं। इसको मैं फ्रेम करवाऊंगा। एक दिन तुम भी जीतोगे भाई। गाइस, चैलेंजेस में काल ऑफिशियली 1 मिलियन से भी ज्यादा हार चुका है। अब तो तुम्हें जीतना होगा। All right, मैं नहीं कर सकता। अरे लड़खड़ा रहा है तो। मेरे आइलैंड पर जान मत देना, मुझ पर इल्जाम आ जाएगा। तुम लोगों ने मुझ पर मीम्स बनाए। हाँ बिल्कुल, आके मैं कभी नहीं जीत सकता। देखो आज मैंने कोशिश की और मैं जीत गया। तो चलो अब बनाओ इसकी जीत की मीम और दबाओ सब्सक्राइब बटन अभी, ताकि तुम गवा ना सको $7,00,000। कांग्रेचुलेशंस। काल रोना बंद करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।